नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश विशेष और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम आपको प्रदेश की वो दो समस्याएं दिखाने वाले हैं जिनका समाधान सिस्टम को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अफसोस सिस्टम की लापरवाही कहिए या फिर नजरअंदाजगी। एक तरफ सैनिक परेशान और दूसरी तरफ लाशों की बेकदरी और हथियारों की बल्ले बल्ले जारी है, और दोनों ही मामलों में परिवार को दर्द भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ सैनिक परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ लाश उगलने वाली नहर में लाशों के सच तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। सबसे पहले आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि लाशें उगलती नहर और मौज लेते हत्यारे, लेकिन उससे पहले बात देश के सैनिकों की, बात उनके दर्द की, बात उस कनेक्शन की जो 13 मई को ही कट चुका है। अब ये ना परिवार से संपर्क कर सकते हैं और ना ही कोई ऑपरेशन का काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक योजना के जरिए ऐसा किया गया, बल्कि एक लापरवाही के जरिए सैनिकों की समस्याओं को बढ़ाया गया है और कोई इस समस्या को दूर करने को तैयार नहीं। अब जरा सोचिए, सरहद पर सिपाही है और परिवार से कनेक्शन टूट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तेरह मई से संपर्क के लिए सेना परेशान, जवान को नहीं मिल रहा सैटेलाइट का सहारा, ना परिवार ना ही ऑपरेशनल कार्यों के लिए हो रहा संपर्क। पश्चिमी सीमा के इस इलाके में मोबाइल का कोई नेटवर्क काम नहीं करता। 150 चौकियों पर करीब सैटेलाइट 2400 फोन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन सिग्नल बंद होने से ये फोन बन गए हैं झुंझुने। देश में राजस्थान के दूर दराज के रेतीलो धोरों और जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात बीएसएफ सहित अन्य सुरक्षा बल इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। भारत और साउथ एशिया में संचार सेवाओं के लिए कार्य कर रहा NSS-6 सैटेलाइट की अवधि पूरी होने के बाद उसके कार्य बंद करने से देश की सीमाओं पर और देश के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए DSPTSAT डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल और VSAT पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे सुरक्षा बलों को अपने घरों पर बातचीत करने और ऑपरेशन कार्यों में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डीएसपीटी जो है NSS-6 सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे थे, और वो 13 मई 2019 को वो सैटेलाइट की सर्विस जो है वो बंद कर दी गई, इसको टर्न ऑफ कर दिया गया। तो उसके बाद में जो DSPT सर्विस है वो न केवल जैसलमेर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बंद है। ये वर्तमान में कोई निर्देश इस तरह के नहीं है कि हम किस प्रकार से वहाँ पर संचार के साधन उपलब्ध करा पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे देश के जवानों को बॉर्डर के ऊपर बहुत समस्याएं आ रही हैं। सैटेलाइट फ़ोन जो है वो BSNL प्रोवाइड करता है, उसकी कॉल रेट जो है वो इससे महंगी है, उस सेट की कास्ट भी ज़्यादा है। अगर आर्मी के लोग, BSF के लोग और लेना चाहें तो उनको वो सेट दिए जा सकते हैं, जैसलमेर में भी वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसमें अभी तक किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उच्च आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश में विभिन्न दूरदराज के क्षेत्रों में दूर संचार के विभिन्न अधिकारियों को SES डायरेक्टर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ने एक मेल भेजकर जानकारी दी थी। ट्रांसपोर्टर NSS-6 सैटेलाइट 13 मई 2019 से टर्न ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से DSPT फोन की सर्विस नहीं मिल सकी। DSPT सेवाएं बंद होने के बाद कोई दूसरा सिस्टम शुरू नहीं हो पाया। इस जानकारी के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरफ सरकार ने कुछ सोचा है। ये जानकारी तो पहले से ही होगी कि 13 मई को ये फोन बंद हो जाएंगे और संपर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, तो फिर पहले से इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। और कमाल की बात यह है कि इन सैटेलाइट फोन को बंद हुए लगभग 1.5 महीना हो गया, इतने वक्त में कोई विकल्प तैयार क्यों नहीं किया गया। क्या यही है सरकार की सेना के प्रति गंभीरता? जो हमारा DSPT सर्विस थी उसके अंदर हम उनको सब्सिडाइज रेट पर जो है कॉल करने को देते थे। 1 रुपये प्रति मिनट पर उनको भारतवर्ष में कहीं कॉल करने की सुविधा दी जाती थी, जबकि इनमारसेट के अंदर ये कॉल रेट बहुत ज़्यादा है और उस पर कोई सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई सूचना मेरे पास में इस तरह की उपलब्ध नहीं है कि ये सेवा को किस तरह से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सरहदी चौकियों को लेकर BSF का कहना है कि दिल्ली से बात कर जहां सेवा जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है, वहीं अगर परिजनों से बात करनी हो तो
सीमावर्ती रामगढ़ इलाके तक आना पड़ता है, जो सरहद के इन क्षेत्रों से 100 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पर एक साथ सभी का आना भी संभव नहीं है। ऐसे में कुछ जवानों को विशेष इजाजत मिलने पर ही ये संभव है। जहाँ पर BSF की चौकियाँ हैं, वो रेगिस्तान का ऐसा इलाका है जहाँ धोरे ही धोरे हैं। इस पर आंधियाँ चलना आम है, लिहाजा यहाँ पर खंभे खड़े करना और नेटवर्क पहुँचाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। पहले प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो पाए, ऐसे में सैटेलाइट फोन ही एकमात्र जरिया है। तो क्या इस संपर्क के कटने की परिवार से बात न करने से जवान मानसिक अवसाद में चले जाएंगे? इस मामले में हमने मनोरोग चिकित्सक से बात की। विशेषज्ञ का कहना है कि परिवारजनों से बात करना पिछले लंबे समय से अगर लगातार जारी था तो तय बात है कि ये उनकी दिनचर्या हो गई है। फिर यदि लंबे वक्त तक बात नहीं होती तो अवसाद की स्थिति बन जाती है। जवानों के लिए स्पेशली ये रहता है कि उनको पर्टिकुलरली जैसे टफ जॉब है एक तरह से, और फिर इतनी दूर वो अपने घर से सर्विस कर दे रहे होते हैं देश की सेवा के लिए, तो कम्युनिकेट करना उनके लिए जो बहुत ज़रूरी लाइफ का पार्ट होता है। दिन में या फिर दो तीन दिन से एक दो बार घर पे बात हो जाती है तो अपने आप को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करता है आदमी। बट ऐसा नहीं हो पाता है तो उनमें इनिशियली एंजाइटी सिम्टम्स है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और एंजाइटी थोड़ी परसिस्ट करती है तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में उनका होना लाजमी हो जाता है, और उसके कारण से जैसे उनका अटेंशन है वो अपनी ड्यूटीज़ है उनमें उतना नहीं हो पाता, जितना स्ट्रेस फ्री आदमी का रहता है उतना नहीं हो रहता। तो अपन कहते हैं कि मन यहाँ तन कहाँ, तो वो वाली कहानी हो जाती है। ये सच है कि हर किसी को सर्वाधिक फिक्र भी परिवार जनों की ही होती है, इसलिए इसका विकल्प बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये है, विकल्प क्या होगा? एक तरफ भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत के अंदर पाकिस्तान का मोबाइल नेटवर्क आता है, जिसे पाकिस्तान की मोबाइल सिमों से भारतीय सीमा में 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तानी मोबाइल सेवा प्रदत्त कंपनी के नेटवर्क द्वारा बातें की जा सकती है, जो कभी भी किसी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ देश के विभिन्न बॉर्डर के दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों का संचार संपर्क भी कट गया है। पश्चिमी राजस्थान से सटे जैसलमेर सहित देश के कश्मीर सियाचिन जैसे इलाकों में DSPT और NS6 सैटेलाइट सिग्नल मिलने बंद हो गए हैं, जिससे राजस्थान के बॉर्डर पर 150 और देश भर में करीब 2500 सैटेलाइट फोन बंद हो गए हैं। वहीं सीमा से करीब 80 किलोमीटर एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है, जिससे जवान 24 घंटे में एक बार भी वो परिवार वालों के संग कायदे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। ऐसे किस्मत अच्छी रही तो अपने से बात तो हो जाती है, वरना संपर्क ना होने से उनके ड्यूटी के दौरान चिंतित ही रहते हैं। अब देखने की बात यह होगी कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को घर पर बात करने की पीड़ा कब खत्म होती है, ताकि वो बिना चिंता के सरहद की रखवाली कर सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।